अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू TKS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर टीचर मिस हरम रहीम फ्रॉम TKS सीनियर ब्रांच। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द अटेंडेंस। ओके, एमन इज प्रेजेंट, फर्सी, मलिक, मिसबा, मोइज एंड मुनज्जा हयात। ओके गुड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, लेसन नंबर 2। ओपन योर बुक्स, I want to see your books in your hands. Yes, show me your book. Misbah, Malik, Hussain, Munazza, Hayat, Moiz and Fasi. Bachi, I want to see your books in your hands. Okay, students, look at your own book. Today we are starting the new chapter and the name of the chapter is Agents of Landform Change. ठीक है, अब हमारे पास what is agents? Agent हम कहते हैं वो factors, वो causes, वो reasons जिसकी वजह से landform में changes आ रही हैं। So it means in this chapter we will study about the agents through which the landform चेंजेस। ठीक है, वो वजहें, वो रीज़न, वो सब कुछ जिसकी वजह से लैंडफॉर्म में डे बाई डे चेंजेस आ रही हैं। अब लैंडफॉर्म्स क्या होता है? लैंडफॉर्म्स, ऑल ऑफ यू नो दैट द माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ये सब हमारे पास लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, हमारे पास हम सी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वैली होता है। ठीक है, हमारे पास ये सब लैंडफॉर्म्स में हमारे पास आते हैं। अब वो कह रहे हैं इनमें जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, चेंजेस नॉट अकर इन वन और टू डेज़। ठीक है, ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक या दो दिन में ये चेंजेस आती हैं। ऑफकोर्स इट टेक अ टाइम, टेक ऑफ टाइम ऑफ ईयर्स। ठीक है, बट क्यों होते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंडफॉर्म में चेंजेस आती हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, यू कैन सी हियर कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट्स डिस्क्राइब फंक्शन परफॉर्म बाई डिफरेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो रिलीफ फीचर्स, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ रिवर, लैंडफॉर्म्स मेड बाई रिवर्स। ओके, डिस्क्राइब ग्लेशियर एंड इट्स टाइप। ठीक है, ग्लेशियर भी हमारे पास लैंडफॉर्म्स में आता है। Differentiate between the landforms made by continental and alpine glaciers. Recognize wind as an agent of landform change in the desert climate. Describe the feature made by wind. Identify the waves as an agent of landform change over a coastal areas. And recognize feature formed by any of these agencies with spatial reference of Pakistan. तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। Now look at your book, page number 15. Agents of landform change. ठीक है, agents of landform change हमारे पास हैं और वो क्या है कि landforms made by rivers, कि landforms जो है हमारे पास कहाँ है, made by rivers, यानी कि rivers की वजह से भी different हमारे पास landforms create होते हैं या forms होते हैं। अब वो कैसे होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो डिफरेंट हमारे पास कैसे होते हैं। रिवर्स कैन बी डिफाइन एज अ मास ऑफ वाटर। अब रिवर की क्या डेफिनेशन, हम उसको क्या कहते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ रिवर क्या है, उर्दू में तो हम बोल देते हैं दैट्स दरिया। ठीक है, व्हाट इज द रिवर, रिवर कैन बी डिफाइन एज अ मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर है, ठीक है, रिवर पानी है ना, विच फ्लो अलॉन्ग अ डेफिनेट कोर्स, जो एक ही कोर्स में, डेफिनेट कोर्स हमारे पास है कि एक ही कोर्स में, यानी कि एक ही जगह पर। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास ये रिवर है वो इस तरह फ्लो हो रहा है, एक दिन वो राइट साइड पे फ्लो होगा और सेकेंड डे पर वो लेफ्ट पे होगा। नो, उनकी एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, रिवर्स जो फ्लो हो रहे होते हैं उनकी एक ही डायरेक्शन होती है, एक ही जगह होती है, जैसे रूट जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स हमारे पास, डेफिनेट कोर्स का मतलब है एक ही सेम रूट है जिस पर वो फ्लो होते हैं, बहते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द चैनल एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर इज फ्लोइंग, यानी जो वाटर जो हमारे पास रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, स्लोप पर।
स्लोप हम किसको कहते हैं, इंक्लाइन जो होता है, जैसे हम टेढ़ा, जैसे जैसे ये आपकी स्लाइड होती है, ठीक है, तो ये जो स्लाइड ऐसे टेढ़ी होती है जिसको हम ऐसे कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम स्लोप कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्लोप। तो कहते हैं रिवर इज डिपेंड्स किस पे होता है, स्लोप ऑफ द चैनल, यानी कि वो जो नाली होती है, ये वो जगह जिसको हम नाली कह सकते हैं ना, चैनल हम जिसमें ये रिवर है ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे नाली। अब ये नाली जो है कितनी स्लोप पर है, वो ऐसे है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी ऐसे है, वो ऐसे, तो वो उस पर डिपेंड होगा। जितना स्लोप ज़्यादा होगा, जितना ऐसे वट होगी, तो वो क्या होगा, पानी का जो फ्लो होगा वो फास्ट होगा, और अगर वो ज़्यादा, उसका जो चैनल है वो ज़्यादा फ्लो स्लोपी नहीं है, तो क्या होगा, उसका फ्लो जो होगा वो कम होगा। एंड सेम एज वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका जो है वाटर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम यानी कि वो पानी जो है वो थोड़ा है, फॉर एग्जांपल वो ड्राई हो गया है रिवर, तो ऑफकोर्स उसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वो भर गया है, विंटर्स हैं, रेनफॉल हो रही है और रिवर फिलअप हो गया है, तो ऑफकोर्स जो है उधर क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। द रिवर, द फ्लो ऑफ रिवर इज़ फास्ट इफ़ द स्लोप ऑफ द चैनल इज स्टीप, ठीक है, यही बात मैंने आपको बोला कि रिवर जो है वो फास्ट होगा, वो तेज़ फ्लो करेगा, तेज़ बहेगा, अगर स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द चैनल इज स्टीप, वो अगर स्टीप जो है वो ज़्यादा गहरा होगा, डीप होगा, ज़्यादा ऐसे टेढ़ा होगा, ठीक है, स्लाइड की तरह, वाइल स्लो इफ़ द स्लोप इज़ जेंटल, और अगर वो जो है ज़्यादा स्लोप जो है वो स्टीप नहीं है, जेंटल नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ये है, ठीक है, ये मैंने ऐसे रख दिया, ये आप लोगों को पिक्चर पे शो हो रहा होगा स्लोप, ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, ये जितना स्लोप होगा, ठीक है, ये जितना भी ज़्यादा होगा, ये ऐसे स्लोपी होगी, स्टीप जितना गहरा होगा उतना फास्ट रिवर फ्लो करेगा, ठीक है, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो उतना तेज़ बहेगा, बट अगर ये थोड़ा सा मैं इस तरह कर दूँ, ये ज़्यादा स्टीप नहीं है, ये हमारे पास जो है जेंटल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वाटर का जो फ्लो होगा, जो रिवर का वाटर का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो ज़्यादा फास्ट नहीं फ्लो करेगा। द प्लेस वेयर इट ऑरिजिनेट्स इज़ कॉल्ड सोर्स, वो जगह जहाँ पर ये ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब जहाँ से ये बहना शुरू कर रहा है, जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स। एंड द पॉइंट वेयर इट मर्ज्स, जहाँ पर वो मिलता है इन टू द लेक सी ओशन इज़ नोन एज माउथ। इस बात को मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, गौर से सुने, क्या कह रहे हैं, वो जगह जहाँ से जो है रिवर जो है ओरिजिनेट हो रहा है, हम उसको सोर्स कहते हैं। अब हम जैसे हम सोर्स ऑफ वाटर, तो हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास सी, रिवर, ये रेन, ये हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसको सोर्स कहते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर जाकर वो मैरिज मतलब मिल जाते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ ये और ये ऐसे मिल गए हैं, यहाँ से वो जो है, यहाँ से रिवर फ्लो होता हुआ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है, और फिर इस फ्लो रिवर में यहाँ फ्लो हो रहा है और इसमें आके गिर गया है, इसमें मिल गया है, तो वो पॉइंट, चाहे वो लेक से मिल रहा हो, चाहे वो सी से मिल रहा हो, चाहे वो ओशन पे, नहीं, वो रिवर का पानी जहाँ जाके गिरता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माउथ, उसको हम क्या कहते हैं, माउथ, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, ये रिवर आ रहा है, चाहे वो माउंटेन से आ रहा है, ऐसे बेहता बेहता और नीचे, फॉर एग्जांपल ये सारा हमारे पास ये बुक का पेज आप इमेजिन करें, ये सी है और ये रिवर फ्लो होता आ रहा है और वो यहाँ पर मर्ज हो रहा है, ये जिस यहाँ पर समंदर से चाहे मिल रहा है, लेक से, ओशन से, जहाँ वो रिवर का पानी गिरा है, उस पॉइंट को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, माउथ। और ये जो हमारे पास प्लेस वेयर इट्स ओरिजिनेट, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो हमारे पास जो है वाटर जो है उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो तो हमारे पास बारिश भी है, रेनफॉल भी आता है, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह से हो रहा है, हमारे पास डिफरेंट है, ज्योग्राफिकली हम देखें, जियो के हिसाब से हम, मतलब ज्योग्राफी के हम हिसाब से देखें, तो वो ओरिजिनेट क्या हो रहा है, वहाँ से माउंटेन्स वगैरह से, ठीक है, रिवर्स फ्लो कहाँ से होता है, रिवर्स माउंटेन्स वगैरह से फ्लो होता है, और माउंटेन्स में वाटर कहाँ से आते हैं, हमारे पास जो वाटर साइकिल होता है, वहाँ पर रेनफॉल होती है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है, ठीक है, उस दर से आता है, तो उसको हम सोर्स कहते हैं, सोर्स कहते हैं जरिए, यानी वो कहाँ से आए, एंड द पॉइंट इट मर्ज, जहाँ पर वो मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। The area from which the river collects its water is called the catchment area. अब वो जगह जहाँ पर रिवर का वाटर कलेक्ट होता है, उसको हम कैचमेंट कहते हैं, कैचमेंट एरिया, देखिए नाम से ही पता चला, कैचमेंट एरिया। The area from which the river collects
इट्स वाटर, जहाँ से पानी कलेक्ट करता है रिवर अपना, उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब वो कैचमेंट एरिया कौन सा होगा? ऑफकोर्स रिवर फ्लो कहाँ से हो रहा है? माउंटेनियस एरिया से होता है, पहाड़ों से हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर रेन स्नोफॉल जो है वो मेल्ट हो गई है तो क्या हुआ है, वो मेल्ट होकर रिवर में जा रही है। तो यानी कि वो एरिया जो है जहाँ से, और हर रिवर का ऑफकोर्स अलग सोर्स है, अलग कैचमेंट एरिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द लैंड फॉर्म्स, ठीक है, कि वो कहाँ का है, किस जगह का है। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? कैचमेंट कहते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि लैंड फॉर्म मेड बाय रिवर्स, वो रिवर्स के थ्रू जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उसमें आपको क्या कह दिया कि मास ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, रिवर की डेफिनेशन मास ऑफ वाटर है, और एक डेफिनेट कोर्स पे वो फ्लो कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक जो है जगह पे वो फ्लो कर रहा होता है, उसी पर एक स्पेसिफिक रूट, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में आप कह दो। एंड इट्स डिपेंड अपॉन स्लोप, अगर स्लोप स्टीप होगा तो क्या होगा, वाटर जो है फास्ट फ्लो करेगा, अगर वो जेंटल होगा तो वाटर फ्लो फास्ट नहीं करेगा, वो स्लो फ्लो करेगा, ठीक है। और इट्स डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना, आप लोग जो है किसी भी सीशोर वगैरह पे चले जाओ, ठीक है, वहाँ का जब पानी भर जाता है तो हम कहते हैं पानी का प्रेशर बहुत तेज़ हो गया है, पानी बहुत गहरा हो गया है, ठीक है। तो सेम एज वॉल्यूम हम उसको कहते हैं। द प्लेस और जहाँ पर वो ओरिजिनेट हो रहा है हम उसको सोर्स कहते हैं, जहाँ वो मर्ज होता है उसको हम माउथ कहते हैं, और जिधर से पानी रिवर कलेक्ट करता है हम उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये इसी से ही रिलेटेड है, बट उसमें जाने से पहले एनीवन हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, या जिसको समझना आई हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो बच्चे रेज योर हैंड, ठीक है, अपना रेज हैंड करें। आप लोगों की इस साइड पर जो थ्री डॉट्स बने हैं इसको टच करें तो आपको जो है आ जाएगा ऑप्शन, तो उसमें आप जो है रेज हैंड करें, देन आई विल गिव यू द आंसर। एनी कन्फ्यूजन रेज योर हैंड, या अपनी वीडियो में रेज हैंड कर लें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर लूँगी। एनीवन, ओके स्लोप, ओके फसी, ओके स्लोप समझ नहीं आई है, फसी स्लोप किसको कहते हैं? आप स्लाइड देखते हो ना, स्लाइड, ठीक है, हमारे स्कूल में स्लाइड है ना, वो ऐसे यू टेढ़ी सी होती है, इसको हम स्लोप कहते हैं, यानी कि टेढ़ी, या सिंपल आप कह सकते हो टेढ़ी छत हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, बुक को देखो, ये प्लेन फॉर्म में पड़ी हुई है, अब ये जब मैं इसको ऐसे रख रही हूँ तो ये कौन सी पोजीशन है, ये इसकी स्लोप है। रिवर जो है वो ऊपर पहाड़ों से नीचे प्लेन एरिया में आता है ना, तो ऑफकोर्स वो ऐसे फ्लो करता है, तो इसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है, समझ आ रही है? ये स्लोप है, जैसे स्लाइड होती है जिसपे आप ऐसे बैठते हो और ऐसे आप यूं करके स्लाइड लेते हो, तो ये स्लोप है हमारे पास, समझ आ गई? एनीवन, और किसी के कोई क्वेश्चन हो? ओके गुड, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर्स। अब वो लैंड फॉर्म्स जो रिवर्स से, ओके गुड फसी, ओके लैंड फॉर्म मेड बाय रिवर। अब वो रिवर, अ रिवर फॉर्म अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है, रिवर की वजह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, राइट फ्रॉम इट सोर्स अप टू द माउथ थ्रू इरोजन। अब वो किस तरह हो रहे हैं? थ्रू द इरोजन, ठीक है, इरोजन के थ्रू, और इरोजन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, इरोजन हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ। हम जैसे अक्सर घरों में कहते हैं दैट्स पानी खड़ा हुआ है, छत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, पानी पड़ा हुआ है, ज़मीन ख़राब हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हम इरोजन में आप कंपेयर कर सकते हो, कैसे? यानी इरोजन हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स डिफरेंट टाइप्स पे हमारे पास, जिसमें मेन एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिवर की बात हो रही है, तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक थ्रू वाटर। जो वाटर होता है वो रॉक्स को वीकन करता है, उसको कमज़ोर करता है, और जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो वो ब्रोक हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। इरोजन हमारे पास इरोड से निकला है, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी होता है, थ्रू द विंड भी होता है, थ्रू द वाटर भी होता है, ठीक है। जो पानी फ्लो करता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स तो होता है, लेकिन वो कैसे होता है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑफकोर्स रिवर फ्लो करता है, तो रिवर्स जो है जिस चैनल पे फ्लो कर रहा है, जो उनसे रूट पे कर रहा है, वहाँ पर वो कहीं पर तो जो है आएगा ना, हमारे पास ज़मीन आती है, तो वो जहाँ पर फ्लो कर रहा है वो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या होंगे? स्टोन्स, रॉक्स वगैरह होंगे। ये रॉक्स जो हैं वो जो
पानी है उसको वीकन करता है और उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन जो रिवर फ्लो करता है उसके साथ जो रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं और उस पानी के साथ फ्लो करके वो रिवर से अगर फॉर एग्जांपल सी में जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। ठीक है, इरोजन हम किसको कहते हैं? जब हमारे पास रॉक्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होते हैं एंड दैट ट्रांसपोर्ट, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसको हम इरोजन कहते हैं। क्लियर? अगेन मैं बता रही हूँ, द रिवर फॉर्म अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म राइट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ माउथ थ्रू इरोजन। वो इरोजन के थ्रू होते हैं। इरोजन कौन सा प्रोसेस है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, वो टूट जाते हैं एंड देन वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है, यही चीज़ जो मैंने बताया कि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स वो चीज़ टूट जाएगी, वो मूव करेगी और जब तक उसको एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर वो स्टे नहीं कर सकती नहीं करेगा, वो फ्लो करती रहेगी एंड स्पेसिफिक एरिया में जाकर जब वो जाकर वो फ्लो ऑफ वाटर रिवर जो है आपका सी में जा रहा है, आपका लेक में जा रहा है, ठीक है, ओशन में जा रहा है, वहाँ जाकर गिर जाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ऑफकोर्स पुराने वाला। अब मैं यहाँ पर इस फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये फ्लो कर रहा है, इससे मैं पानी गुजार रही हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता खुरेदती जाऊँ, उसको मैं जो है ब्लेड से ऐसे ऐसे करती जाऊँ, तो कुछ टाइम के बाद इस पेंसिल की शेप चेंज होगी ना, ठीक है, इस पेंसिल की शेप चेंज होगी क्योंकि मैं डेली इसको क्या कर रही हूँ, किसी भी जो है नाइफ से ब्लेड से इसको रोज़ाना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा हटा रही हूँ, और ये मैं तो हटा रही हूँ ब्लेड से, लेकिन रिवर में ये क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, जो वाटर होता है वो रॉक्स को क्या कहता है, वीक कर देता है, पानी से वो नरम होते जाते हैं, वो जितना टाइम रहते हैं ऐसा ऐसा, चाहे वो जितना बड़ा भी रॉक हो, जितना छोटा होगा तो जल्दी होगा, बड़ा रॉक होगा तो ऑफकोर्स इट टेक अ टाइम, जब वो वीक हो जाता है तो वो ऐसे यहाँ से उतर जाता है, यहाँ से उतर गया, साइड से उतर गया, और जब वो ऑफकोर्स यहाँ से उतर जाएगा वो रॉक का पीस, तो क्योंकि वाटर है और वो स्लोप में है, ऑफकोर्स उसका जो है प्रेशर भी होता है, तो वो फिर उसके साथ पानी के साथ बहता बहता नीचे आ जाएगा और सी में गिर जाएगा। समझ आ गई है? तो पोजीशन हमारे पास रिवर की भी चेंज होगी, यानी लैंड फॉर्म में चेंजेस आ रही हैं, और वो जहाँ पर जाके गिरा है अगर वहाँ डेप्थ है, यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं तो ऑफकोर्स जो यहाँ पर जहाँ पर वो मर्ज हो रहा है, जहाँ पर जो है मिल रहा है, या वो चाहे सी है, ओशन है, या लेक वगैरह जो भी है, वहाँ पर उसकी भी ऑफकोर्स क्या होगी, उसमें भी चेंजेस आएंगी। द एंटायर कोर्स ऑफ वाटर इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेजेस। अब ये जो कोर्स है इनको उन्होंने थ्री स्टेजेस पर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी थ्री स्टेजेस हैं? अपर कोर्स यानी कि माउंटेन स्टेज, मिडल कोर्स प्लेन स्टेज एंड लोअर कोर्स और डेल्टा स्टेज। तीन स्टेज है, मैंने आपको जो एग्जांपल दी वो माउंटेन्स की दी। ऑफकोर्स जब वो चला जाएगा, जब वो सी में चला जाएगा तो वो प्लेन स्टेज पे आ जाएगा, और वो जब डेप्थ पे चला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा स्टेज पे आ जाएगा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फर्स्ट स्टेज। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड एट डिफरेंट स्टेजेस। अब लैंड फॉर्म ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी मर्जी से बनता है, मतलब वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है तो एक लैंड फॉर्म्स बनता है, और ये लैंड फॉर्म विद इन फ्यू डेज या वो में क्रिएट नहीं होते। ऑफकोर्स इट टेक अ टाइम, ईयर्स लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आज रिवर का जो है इस पोजिशन पर था और अब जो है उसमें चेंजेस आ गई और नया लैंड फॉर्म बन गया। नो, इट टेक अ टाइम, ये टाइम लगता है, ये रॉक्स का ब्रेक डाउन होना, इरोड होना, एक ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। सबसे पहला हमारे पास क्या था, द अपर एंड माउंटेन कोर्स। कौन सा है? अपर, जिसको हम माउंटेन स्टेज भी कह सकते हैं, यानी अब पहाड़ों से। द कोर्स ऑफ रिवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द माउंटेन्स अप टू द प्लेन एरियाज इज नोन एज माउंटेन कोर्स और अ माउंटेन स्टेज। इसको अंडरलाइन कर लें, इट्स बेटर, ये आपको इजी वे रहेगा, आपको इसकी क्या होगी, ये डेफिनेशन मिल गई है, ठीक है, कि हमारे पास अपर कोर्स या हम माउंटेन स्टेज। आपसे कोई भी मैं आपसे क्वेश्चन करूँ माउंटेन स्टेज बोलूँ या अपर कोर्स, तो ये एक ही मतलब है, ठीक है, इनके दोनों नाम है ये। द कोर्स ऑफ रिवर
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द माउंटेन, जहाँ से वो ओरिजिन जहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू द प्लेन एरिया, जहाँ वो प्लेन एरिया में मिल रहे हैं, उसको हम अपर कोस्ट स्टेज कहते हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी रिवर माउंटेन्स से वो रिवर फ्लो कर रहा हो जाकर प्लेन एरिया में किसी भी, ठीक है, प्लेन एरिया मतलब सी वगैरह में अगर ये चला गया, सी हमारे पास जो है वो प्लेन एरिया में आते हैं, ठीक है, वो स्लोपी नहीं होते सी जो होते हैं। सो हमारे पास वो वहाँ पर आके क्या हो गया है, उस पॉइंट पर आके मिल गया है, ठीक है, उस पॉइंट पर आके जब वो मिल गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।